Of sure cases. वो सबसे पहले क्वेश्चन है ब्रेन डेथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रियट एक्शन रिगार्डिंग दिस पेशन ब्रेन डेथ के तमाम साइन मौजूद है जैसे कि रेस्परेशन भी नहीं दे सकता है, भी नहीं है पीपल रिएक्शन भी नहीं है तो इस सूरत में आप वेंटिलेटर हटा दें तो हेयर करेक्ट आंसर इज ए रिमूव द वेंटिलेटर सेकेंड व्हाट शुड यू डू इस सूरत में आपने क्या करना है आपने यहाँ पे करेक्ट आंसर है एच रिपोर्ट द फैमिली टू द चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज आपने पेशेंट के मतलब जब आपको सस्पेक्श मतलब आपको शक है कि यहाँ पे बच्चे पे जुल्म कर रहे हैं तो आपने पेरेंट के साथ कोई डिस्कशन नहीं करनी आपने डायरेक्ट इस फैमिली को चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज जो है उसको रिपोर्ट करनी बेशक आप गलत साबित हो जाएँ लेकिन आप पे कोई केस नहीं होगा आपने लाजमी रिपोर्ट करनी कॉन्फिडेंशलिटी ये एम आप पूरी तरह पढ़ लें मतलब एक मरीज़ के बारे में उसका फ्रेंड है बहुत ही क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो वो आपके बारे में मेडिकल इंफॉर्मेशन चाहता है मरीज़ के बारे में तो आपका आंसर इस मौजूदा चार ऑप्शन में क्या होना चाहिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इंफॉर्म हिम देट यू आर नाट एट रिगार्डिंग द पेशेंट विट पर किसी को भी पेशेंट के परमिशन के बगैर अपने पेशेंट के मुतालिक इंफॉर्मेशन नहीं देनी जब तक वो खुद कंसर्ट ना दे ऑप्शन सी इज करेक्ट यहाँ पे आपके पास फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वाले आए हैं और पेशेंट के मतलब इंफॉमेशन लेना चाहते हैं बेशक उसने बेच भी दिखा दिया है वो लीगल है हर चीज़ उसकी क्लियर है कि वो फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वाले बंदे हैं तो वो पेशेंट के बारे में मलमात चाहते हैं और उनका चार्ट कुछ मिनट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो इस सूरत में आपका जवाब क्या होना चाहिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट टेल देम यू कैट शो देम द चार्ट अनलेस इज़ अ साइन रिलीज फ्रॉम द पेशेंट यहाँ बेशक कोट ला कोर्ट uh, का आर्डर हो या वारंट हो उस सूरत में आप पेशेंट के इंफॉर्मेशन दे सकते हैं विद आउट कोर्ट ऑर्डर एंड वारंट देर इज़ नो नीड टू गिव इंफॉर्मेशन टू एनी वन बेश वो फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वाले ही क्यों ना हो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट इस क्यूज़ में एक पेशेंट आपको बता रहा है कि मतलब पेशेंट है वो आपको बता रहे कि मैं अपने बॉस को मारूँगा तो इस सूरत में आप का क्या फ़र्ज़ है ऑप्शन ई इज़ करेक्ट इनफॉर्म बोथ द पेशेंट बॉस एज वेल एज लॉ इन्फोर्समेंट ऑफ द थ्रेट ये नहीं कि सिर्फ आपने बॉस को इन्फॉर्म करना है दोनों को इन्फॉर्म करना है ताकि बाद में अगर बॉस को कोई नुकसान पहुँचे तो उसके जिम्मेदार आप होंगे आपने बॉस को भी इन्फॉर्म करना है और ला इंफोर्समेंट को भी इन्फॉर्म करना है अगर आपने ला इन्फोर्समेंट को इन्फॉर्म किया है और बॉस को इन्फॉर्म नहीं किया और बोस को नुकसान पहुंचे तो इस सूरत में आप जिम्मेदार होंगे ए पेशेंट राइट टू कॉन्फिडेंशलिटी इन वेन अनदर पर्सन राइट टू सेफ्टी बी गन थर्ड पार्टी को जब नुकसान पहुँचे तो इस सूरत में इंफॉर्मेशन uh, कॉन्फिडेंशियल नहीं रखने पेशेंट के एम सिक्यूज़ नंबर सिक्स यहाँ पे फैमिली वाले आप पे फोर्स कर रहे हैं कि मतलब पेशेंट को इन्फॉर्म नहीं करना है भाई आपसे के मतलब कैंसर है तो वो मजीद डिप्रेस हो जाएगी तो इस सूरत में आपने क्या करना है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट यू टेल देम दैट यू आर ऑब्लिगेटेड टू इन्फॉर्म द पेशेंट ऑफ ऑल द फाइंडिंग आपकी ड्यूटी है कि आप सबसे पहले मरीज को खबर दें विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन फ्राम द पेशेंट की इजाज़त आपको नहीं है आपने सबसे पहले पेशेंट को इन्फॉर्म करना है आपने फैमिली को आ, फैमिली के विशेष को पूरा नहीं करना एक सूरत है जिसमें साइकोलॉजिकल हार्म पेशेंट को साइकोलॉजिकल हार्म हो मतलब वो ऐसी खबर सुनने के बाद सुसाइड करे या कोई और बेड न्यूज़ का, का सुन के वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में चला जाए तो इस सूरत में आपको इजाज़त है कि पेशेंट को इन्फॉर्म ना करें इस एम में पेशेंट को एक ऐसी बीमारी है जिसमें उसके बच्चों को जेनेटिकली वो बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है और वह आपको रोक रहा है कि मतलब उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं करनी वो आपके खिलाफ केस करने की धमकी भी दे रहा है, है तो इस सूरत में आपने क्या करना है उसकी एक्स वाइफ को खबर देनी है या नहीं तो फॉलोइंग ऑप्शन में बेहतरीन ऑप्शन और ठीक आंसर कौन सा बेस्ट ऑप्शन है ई करेक्ट इनफॉर्म द पेशेंट एक्स वाइफ ऑफ़ द रिस्क टू द चिल्ड्रन मतलब थर्ड पार्टी को थर्ड इनोसेंट पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है तो इस सूरत में पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी की कोई अहमियत नहीं है आपने कॉन्फिडेंशलिटी ब्रिच करनी है यहां पे पेशेंट को टी है जो कि थर्ड पार्टी को नुकसान पहुँचा रही है तो आपने यहाँ पर रिपोर्टिंग इसकी करनी है लेकिन वो इसके साथ इमिग्रेशन करके आया है तो वो उसके बारे में ज़्यादा डर रहा है तो इस सूरत में आप क्या करेंगे करेक्ट आंसर इज़ ए डोंट वरी द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ डज नॉट आस्क आर रिपोर्ट इमिग्रेशन स्टेटस फिजिशियन का काम है और एथिकल ड्यूटी जो फिजिशन की है वो पेशेंट का केयर है ना कि आप इंफॉर्मेशन वाले बन जाए कि मतलब ये इमिग्रेशन करके आया है आप पेशेंट की केयर करें पेशेंट की ट्रीटमेंट करें ना पेशेंट की ट्रीटमेंट से पहले ना ट्रीटमेंट के बाद आप किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं सिर्फ आपने टी वी के बारे में इंफॉर्म करना है थर्ड पार्टी को ताकि उसको नुकसान ना पहुँचे और आपने पेशेंट की केयर का ख्याल करना है इसके आपके पेशेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है आप पेशेंट फिजिशन रिलेशनशिप कायम करने के लिए सिर्फ उसका केयर करेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से इन्होंने बच्चा पैदा किया हुआ है तो वो अब अपना स्पर्म और एग बेचने की बात कर रहे हैं आपके पास गए इस सूरत में आपका जवाब क्या होना चाहिए ऑप्शन इज़ करेक्ट इट इज़ लीगल टू सेल बोथ द स्पर्म एंड एग बट नॉट द आप वो चीज़ें जो रिप्रोड्यूस होती है मतलब एग है और स्पर्म रिप्रोड्यूस होती है वो एथिकली वो आप, आप मतलब आप बेच सकते हैं लेकिन फर्टलाइज गेमेट या फर्टेलाइज एग आप नहीं बेच सकते वो आप सिर्फ डोनेट कर सकते हैं वो बेच नहीं सकते आप फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं और वहाँ पर एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ है सब ड्यूरल एमोटो से सबसे पेशेंट की ब्रेन डेथ हो चुकी है और उसका वेंटिलेटर हटाया जा रहा है ताकि उसका ब्रेन डेथ भी कन्फर्म हो चुका है वेंटिलेटर में आर्गन डोनेशन ऑर्गन इस डोनेशन इसके करना चाहते हैं तो ऑर्गन डोनेशन के लिए कौन इनसे पूछेगा ऑप्शन ई इज करेक्ट ऑर्गन डोनर नेटवर्क फिजिशियन नहीं पूछ सकता बेशक उसकी कितनी अच्छी तल्लु क्यों ना हो उनके साथ आपने आर्गन डोनेशन के लिए नहीं पूछना आर्गन डोनर नेटवर्क का ये काम है क्योंकि इसमें इस सूरत में, में पेशेंट के अटेंडेंट ये सोचते हैं कि हमारे पेशेंट की अच्छी तरह केयर नहीं की गई इनको आर्गन चाहिए इसलिए हमारे पेशेंट को जल्दी मार दिया गया तो इस सूरत में ना फिजिशन ना आप बेशक आप उसके कितने ही अच्छे तल्लु क्यों ना हो आप उसे आर्गन डोनेशन के लिए कंसल्ट नहीं ले सकते आर्गन डोनर नेटवर्क का काम है ये